तो जी बेटा, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, हम उसको सॉल्व करेंगे। अब उसमें आपने करना ही है कि आपको गिवन ये है x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 + 2, और आपने फाइंड क्या करना है, 1/x बेटा आपने फाइंड करना। तो आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे 1/x इज इक्वल टू, ठीक है, सो x आपके पास क्या है, x बेटा हमारे पास यहाँ पे है स्क्वायर रूट 3 + 2, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 + 2 बेटा, ठीक है। आपने सिंपल फाइंड करना है 1/x, तो बेटा आप यहाँ पे लिखें 1/x, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, 1/x की वैल्यू वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 + 2 बेटा। अब बेटा आपने यहाँ पे देखें, आपके पास जब भी डिनोमिनेटर के अंदर सर्ड आ जाए, ठीक है, आपके पास ऐसा नंबर आ जाए जिसके ऊपर स्क्वायर रूट हो, तो आपने उसको फ्री रेडिकल करना होता है, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन 1 में किया था। अब आप सिंपल करेंगे, ये यहाँ पे 1/x ही चलता रहेगा साथ साथ, ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको रैशनलाइज करना है। अब वो कैसे होता है, आपका जो भी डिनोमिनेटर है आपने जस्ट इसका कॉन्जुगेट लेना है और मल्टीप्लाई भी कर देना है उसके साथ और डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 2/√3 - 2, ठीक है। अब जस्ट आप इसको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें ऊपर वाले को ऊपर के साथ और नीचे जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 3 - 2 और नीचे बेटा आपने जो आपका डिनोमिनेटर्स हैं इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला अप्लाई होगा किस तरह से, ये अगेन a प्लस बी है और ये a माइनस बी, तो a का स्केयर माइनस बी का स्केयर, a हमारे पास है स्केयर रूट 3, इसका बड़ा स्केयर आएगा माइनस 2 का बी स्केयर आएगा, ठीक है। अब बेटा आप इसको जस्ट सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा स्केयर रूट 3 - 2/√3 का स्केयर से स्केयर रूट कट गया, 3 यहाँ बचा और बेटा यहाँ बचेगा माइनस का 4, 3 - 4 - 1 बचेगा, सो 1/x इज इक्वल टू स्केयर रूट 3 - 2 ओवर यहाँ पे आएगा माइनस का 1। अब इस माइनस 1 को बेटा आप ऊपर जब इसको ऊपर लेके जाएंगे माइनस को, तो ऊपर जो टर्म्स हैं उनके साइन जस्ट चेंज होंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 2 प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का स्केयर रूट 3 आ जाएगा। तो 1/x किसके इक्वल बेटा, 2 - √3 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है, ठीक है, जैसे आपने 1/ फॉर्म में लिखने के बाद उसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी, उसके बाद जैसे आपने उसको सॉल्व करना, ठीक है। अब बेटा इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम देखते हैं, वो हमारे पास क्या है, x बेटा हमें गिवन है और आपने फाइंड करना है x + 1/x, ठीक है। अब x हमें क्या गिवन है, स्केयर रूट 3 + 2, तो आप बेटा करेंगे ये x आपके पास है, आपके पास 1/x नहीं है जो आपने x पे ऐड करना, तो आप पहले 1/x फाइंड करेंगे लाइक दिस वे, ठीक है। तो आपने पहले 1/x फाइंड करना है, सो 1/x बेटा आपके पास इक्वल आएगा 1/3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 बेटा, ठीक है। अब नीचे हमारे पास क्या आ गया है, आपके पास सर्ड है, आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1/√3 + 2, इसको बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 - 2/√3 - 2, ठीक है। अब इसको जस्ट आपने सॉल्व करना है, ऊपर आप उसको वैसे ही लिखते हैं, अगर यहाँ पे 1 हो तो ये आएगा स्क्वायर रूट 3 - 2 और नीचे बड़ा आपने फार्मूला अप्लाई करना होता है a + b (a - b), a² - b² तो a आपके पास यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट 3, इसका बड़ा स्क्वायर आएगा माइनस बी, हमारे पास यहाँ पे 2 है तो इसका भी स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, सो 1/x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 - 2 ओवर यहाँ पे सिंपल 3 बचा माइनस का 4 अगेन, तो ये हमारे पास आ गया 1/x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 - 2/-1 अगेन, आपके पास यहाँ पे नीचे इसकी तरह ही आपके पास क्या बच गया है माइनस 1 बचे, तो आपने जस्ट ऊपर जो टर्म्स है उनके साइन चेंज कर देने, तो ये हमारे पास आएगा 2 प्लस का हो जाएगा और माइनस का स्केयर रूट 3 आ जाएगा, ये बड़ा आंसर है 1/x का। अब आप देखें हमारे पास 1/x भी है और x भी है, बस आपने दोनों को ऐड करना है, तो ये हमारे पास बेटा आएगा x + 1/x इज इक्वल टू
तो ये बेटा हमारे पास क्या बनेगा, x की वैल्यू क्या है, स्केयर रूट थ्री प्लस टू, स्केयर रूट थ्री प्लस टू, प्लस जो आपका वन ओवर x है उसकी बेटा वैल्यू है टू माइनस स्केयर रूट थ्री बेटा। तो ये हमारे पास आएगा टू माइनस स्केयर रूट थ्री। अब यहाँ पे देखें आपके पास सिंपल ये होगा, ये कि वो कटिंग हो किसकी होगी, जस्ट आपने कट करना है यहाँ पे स्केयर रूट थ्री को स्केयर रूट थ्री के साथ। तो क्या बचा, x प्लस वन ओवर x इक्वल आगे बढ़ा टू प्लस टू के, टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर। सो आपका जो फाइनल आंसर है x प्लस वन ओवर x का वो क्या आ गया बेटा, वो फोर आ गया। तो बेटा इस तरह आपने इसका जो क्वेश्चन नंबर टू और थ्री है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, अब इस पार्ट में आपने करना ये है कि आपके पास यहाँ पे दो यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं एंड बोथ आर सर्ड, ठीक है। आप देखें यहाँ पे दोनों के जो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सर्ड की फॉर्म है, यानी कि आपने करना ये है कि आपके पास दोनों जो फ्रैक्शंस हैं आपने इन दोनों को रैशनलाइज करना होगा, ठीक है। किस तरह करना होगा बेटा, उसके लिए हम करते ये हैं कि आपके पास जो भी आपके पास फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है आपने उसको रैशनलाइज करना है, उसका साइन चेंज कर दिए, आपने उसको मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। तो आप इसके साथ इसका साइन चेंज करेंगे और इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, अगेन इसके साथ भी आपने यही प्रोसेस करना है, इसको भी आप रैशनलाइज सेपरेट यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इसको बड़ा हम करते हैं, तो ये बड़ा हमारे पास बनेगा वन प्लस स्क्वायर रूट टू वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, ओवर स्क्वायर रूट फाइव प्लस स्क्वायर रूट थ्री। जब आप इसको बड़ा रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाइंग विद स्क्वायर रूट ऑफ फाइव माइनस स्क्वायर रूट थ्री बेटा, ठीक है। और इसके साथ आपने डिवाइड भी करना होगा, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट फाइव माइनस स्क्वायर रूट थ्री बेटा। ये देखें अभी हमने फर्स्ट वाली जो फ्रैक्शन है उसको रैशनलाइज किया, अब आपने अगेन जो आपकी सेकेंड फ्रैक्शन है आपने इसको भी रैशनलाइज करना होगा, ठीक है। प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट टू ओवर स्क्वायर रूट फाइव माइनस स्क्वायर रूट थ्री बेटा। अब आप इसको बेटा रैशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको किसके साथ, स्क्वायर रूट फाइव, यहाँ पे साइन अगर माइनस का है तो आपने यहाँ पे चेंज करना है, प्लस का आ जाएगा स्क्वायर रूट थ्री ओवर स्क्वायर रूट फाइव प्लस स्क्वायर रूट थ्री बेटा। अब बेटा आपने इसको जस्ट सॉल्व करना है, इनको आपस में आपने करना है मल्टीप्लाई और इनको अलहदा से आपस में आप करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको बेटा हम करते हैं, तो ये बेटा हमारे पास बनेगा इन दोनों को बेटा आपने आपस में करना है, यानी कि आपके जो न्यूमरेटर्स हैं वो आपस में होंगे मल्टीप्लाई, वन प्लस स्क्वायर रूट टू इंटू स्क्वायर रूट फाइव माइनस स्क्वायर रूट थ्री ओवर, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई, डायरेक्ट आप फार्मूला अप्लाई कर दिया करें तो ये बनेगा हमारे पास स्क्वायर रूट फाइव का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट थ्री का बेटा अलग से स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन है, अब आप अगेन यहाँ पे जो ऊपर है इनको आप कर दें मल्टीप्लाई, वन माइनस स्क्वायर रूट टू इंटू स्क्वायर रूट फाइव प्लस स्क्वायर रूट थ्री ओवर, यहाँ भी आप फार्मूला अप्लाई करते हैं स्केयर रूट फाइव का स्केयर माइनस स्केयर रूट थ्री का स्केयर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब सिंपल आप जो ऊपर हैं इनको आपस में आप करें मल्टीप्लाई, तो ये बेटा हमारे पास आएंगे वन को पहले आपने इन दोनों के साथ करना है मल्टीप्लाई, तो ये आएगा वन इंटू स्केयर रूट फाइव, स्केयर रूट फाइव ही आएगा, फिर वन इंटू स्केयर रूट थ्री माइनस स्केयर रूट थ्री आ जाएगा, ओके। इसके बाद ये बेटा हमारे पास बनेगा यहाँ पे, अब आपने स्केयर रूट टू को इन दोनों के साथ करना है मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा प्लस स्केयर रूट टू इंटू स्केयर रूट फाइव, ठीक है। अब स्केयर रूट टू को आप करेंगे स्केयर रूट थ्री से मल्टीप्लाई, स्केयर रूट टू इंटू स्केयर रूट थ्री बेटा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा स्केयर से ये कैंसिल, इससे ये भी कैंसिल, फाइव माइनस थ्री जस्ट टू बचेगा, ठीक है। अब यहाँ भी आप करें इनको मल्टीप्लाई, तो ये बेटा हमारे पास आएगा वन इंटू स्केयर रूट फाइव एंड स्केयर रूट थ्री, तो आपके पास जब वन से मल्टीप्लाई होंगे दोनों वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास स्केयर रूट फाइव प्लस स्केयर रूट थ्री वैसे का वैसे ही आएगा, ठीक है। अब स्केयर रूट टू को आप करेंगे इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस टू टाइम्स माइनस टू स्केयर रूट इंटू स्केयर रूट फाइव, उसके बाद माइनस स्केयर रूट टू
इंटू स्केयर रूट थ्री ओवर, यहाँ पे फाइव और यहाँ भी सेम ये कट जाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा फाइव माइनस थ्री, तो यहाँ बेटा टू बचेगा, ठीक है। अब देखें आपके पास यहाँ पे इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास जो दोनों फ्रैक्शन हैं इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो आपने इनको बेटा एलसीएम की तो सॉल्व करना है। आप उनका जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम वही नंबर आता है जो आपका सेम नीचे नंबर हो, टू आपका नीचे सेम एलसीएम आएगा और ऊपर आप सबको वैसे ही प्लस कर देंगे, ठीक है, एक ही फ्रैक्शन के अंदर। तो ये बेटा हमारे पास बनेगा फाइनली इन सब का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हम जगह बना लें ताकि ये सारी की सारी इक्वेशन यहाँ पे आ जाए जी। अभी इसको हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास सारा का सारा वैसे ही ऊपर आ जाएगा, फाइव माइनस के रूट सिक्स। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो बेटा क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास के रूट सिंपल आप इनको सिंगल स्केयर में करेंगे तो टू फाइव ज़ा टेन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आएगा स्केयर रूट टू थ्री ज़ा सिक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पे स्केयर रूट फाइव प्लस स्केयर रूट थ्री, उसके बाद माइनस स्केयर रूट टू फाइव ज़ा टेन। आप इसको सिंगल स्केयर रूट में ही कर देंगे, यहाँ भी आपने इसको सिंगल स्केयर में ही करना है, ठीक है, सिक्स आ जाएगा, ठीक है। और नीचे सबका जो सेम एलसीएम आया है दोनों फ्रैक्शंस का वो बेटा टू है, तो आप इन सब का एलसीएम नीचे टू लिख देंगे, ठीक है। अब आप ऊपर देखें हमने दोनों को प्लस कर दिया, दोनों जो आपके न्यूमरेटर थे, तो अब सिंपल यहाँ पे जो कट हो रही है फैक्टर्स वो आप कट कर दें। स्केयर रूट सिक्स बेटा यहाँ पे है और यहाँ पे हमारे पास माइनस का, अब देखें जो चीज़ कट हो रही है वो स्केयर रूट टेन यहाँ पे है और यहाँ भी स्केयर रूट टेन है, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पे साइन माइनस का है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, यहाँ पे ये और ये दोनों क्या हो गए, कट हो गए। इसके अलावा बेटा यहाँ पे हमारे पास स्केयर रूट थ्री यहाँ पे है और यहाँ भी हमारे पास स्केयर रूट थ्री है बेटा, ठीक है। यहाँ पे गलती से हमने सिक्स लिख दिया, यहाँ पे स्केयर रूट थ्री है, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज इसका साइन माइनस का है, इसका साइन प्लस का। अब क्या बचा बेटा हमारे पास, यहाँ बच गया स्केयर रूट फाइव यहाँ भी है और यहाँ भी स्केयर रूट फाइव है, स्केयर रूट सिक्स और स्केयर रूट सिक्स ये हमारे पास बच गए हैं, तो आप इनको आप फाइनली देखेंगे तो ये बेटा हमारे पास आएगा स्केयर फाइव प्लस स्केयर रूट फाइव, तो ये हमारे पास आएगा स्केयर रूट फाइव प्लस स्केयर रूट फाइव और माइनस स्केयर रूट सिक्स माइनस स्केयर रूट सिक्स और नीचे हमारे पास यहाँ पे टू है, ठीक है। अब जो आपके पास देखें यहाँ भी स्केयर रूट फाइव है, यहाँ भी स्केयर रूट फाइव दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये बेटा आएगा टू टाइम्स स्केयर रूट फाइव, ठीक है। और जब यहाँ भी सेम है बट साइन उनका माइनस का है, तो यहाँ भी आएगा माइनस टू स्केयर रूट सिक्स, ठीक है, और यहाँ पे टू है, तो आपने अब टू को दोनों जो ऊपर टर्म्स हैं उनके साथ डिवाइड करना है, ठीक है, टू के साथ, तो ये आएगा टू ओवर टू, यहाँ भी हमारे पास टू स्केयर रूट सिक्स ओवर टू, टू से टू कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल, तो आंसर बेटा हमारे पास जो फाइनली है वो बना है स्केयर रूट फाइव माइनस स्केयर रूट सिक्स, बेटा ये बेटा इसका फाइनल आंसर है। अब ये था बेटा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट बेटा आपने खुद करना है, बिल्कुल ऐसा ही है, जितने भी आपके पास फ्रैक्शंस होगी बस आपने करना ये है कि उनको बेटा आपने रैशनलाइज करना है सेपरेट सेपरेट, तो आपको फाइनली एलसीएम के थ्रू उसको फाइनली आपने बाद में सॉल्व करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर बेटा फोर। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।